नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। अभी BGMI तो वैसे भी बैन हो चुका है, लेकिन कोई नया गेम मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी गेम के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाए देते हैं, खेल लेते हैं इस गेम को, क्योंकि दूसरा गेम तो मुझे मिला नहीं। एपेक्स लेजेंड्स तो मेरे फ़ोन में चलने वाला है नहीं, और शायद वो किसी के भी फ़ोन में नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बग्स और ग्लिचेज है। लैंडिंग के टाइम में बहुत लैग करता है वो। एंड्रॉयड में तो प्रॉब्लम है, ये iOS में नहीं है शायद, तो एपेक्स को भी नहीं खेल सकता। और दूसरा कोई गेम मेरे को इतना सूझ नहीं रहा, और नए गेम्स अभी आ रहे हो तो वो कब आएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आते इसी गेम को खेल लेते, इसी की कोई क्लिप डाल के देख लेते हैं। तो मैं उतरने वाला था अकेला, और वो भी एंशिएंट रुइन पे, क्योंकि मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि रैंक पुशर जो बंदे होते हैं ना, उन्होंने ही बस गेम को रखा है, बाकी जो प्रो प्लेयर्स होते हैं उन लोगों ने गेम को खेलना ही छोड़ दिया। जो किल के लिए उतरते थे ना, वो उन लोगों ने गेम को खेलना ही छोड़ दिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मैं उधर जाता हूँ सीधा एंशिएंट रुइन पे। अब यहाँ पर पूरी बंदों की टोली होनी चाहिए थी। अब दो बंदे जो हैं दूसरी जगह उतर जाते हैं, तो मतलब अभी एक उतरा है जो आपने देखा मेरे में, और ये दूसरा उतरा। मैंने सोचा कि नहीं भाई, नहीं जाते उधर, अगर पूरी स्क्वाड हुई तो मेरे को अकेले को धो डालेगी। और इधर एक बंदा लूट कर रहा था, इसका शायद नेट का कोई प्रॉब्लम था कि पता नहीं, क्योंकि कभी कभार होता है ना लो एंड डिवाइस, इसका उधर अटक जाता है बंदा। मैं इधर लूट कर ही रहा था तभी ये वहाँ से आ जाते हैं मेरे को मारने के लिए। तो इसको भी मैं मार ही देता हूँ, और इसको मारने के बाद मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने अपने ईयरफोन्स थोड़े गलत पहन लिए थे, इसलिए मेरे को आवाज़ कही फुटस्टेप। अब मैं भी देख सकते हो फुटस्टेप कहीं और आ रहा है, मैं देख कहीं और रहा हूँ, उलट साइड मतलब उल्टी साइड पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ईयरफोन से उल्टे पहने थे। तो इधर एक बंदा था भाई, कितना फास्ट भाग गया भाई। अब मैंने ईयरफोन उल्टे पहने थे, मेरे को ध्यान ही नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद पहाड़ पर से कोई मार रहा है, तो मैंने पहले इसको फिनिश किया, वरना अगर इसका टीममेट आया तो मेरे को बैंड बजा देगा, मेरा बैंड बजा देगा, हम तो डूबेंगे साथ में, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, इसलिए इसको भी मार दिया। और इधर मैं और भी फुट स्टेप आ रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था बंदा है तो है कहाँ पे। मैं इधर लूटने के लिए आया, तभी ये होता है, नेड़ फेंक दिया उसने। वो भी इतना अच्छे से कुक करके नहीं फेंका, अगर सही से कुक करके फेंकता तो अच्छा होता, लेकिन ये तो एक बॉट था। बॉट कहाँ से भाई, कब से नेड़ फेंकने लग गए भाई। नेड़ मेरे को आया उसी डायरेक्शन से था, लेकिन पता नहीं बंदा कहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि चलो इस साइड पे चल के देखते हैं, तो एक बंदा अंदर घुसने की कोशिश करता है, मैंने सोचा इसको मारता हूँ, लेकिन यार वो अंदर कवर में जा चुका था, तो इसको अंदर घुस के मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी मेरे को फायर करने की आवाज़ आती है, मेरे ईयरफोन उल्टे पहनने की वजह से मेरे को लगा कि घासों में कहीं लेट के मार रहा है, लेकिन बाद में समझ में आता है मैंने ईयरफोन से उल्टे पहने। तो मैंने सबसे पहले इधर खड़े रहकर कवर में रहकर अपने ईयरफोन्स को सही किया, ईयरफोन्स को सही करने के बाद इस बॉट को ख़त्म किया। और अभी एक बंदा तो बचा था, उसने अपनी लोकेशन तो दे ही दी थी, मैंने सोचा मोली फेंक देते हैं, शायद इसके अंदर होगा, तो क्योंकि बहुत सारे बंदे ना इसके अंदर कैम्प करके बैठते, ठीक है ना, बहुत सारे बंदे कैम्प करके बैठते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मोली फेंक दिया। अगर बंदा होगा तो जलवन जाएगा, लेकिन वो एक बॉट को मार देता है UMP से, तो मैंने सोचा मार जाऊँ या ना जाऊँ, तो जो होगा देखा जाएगा। बोली के सीधा कूद गया और एक मस्त हेडशॉट चिपका के इसको ख़त्म कर दिया। जब यहाँ की सारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर मैंने पूरा झाड़ू मार लिया था, तब ये बंदे आ जाते हैं इधर वापस झाड़ू मारने। मुझे लगा ये मुझे लेने आए होंगे, लेकिन नहीं, इनको झाड़ू मारने का था, हर जगह सब कुछ जब मैं अपने बैग में भरने का था भाई, इधर मैं पूरा झाड़ू मार चुका हूँ। अब एक बंदा जो उधर उतरे थे, दो बंदे, उनमें से एक की पेटी बन चुकी थी, एक बग्घी लेके भाग रहा था, तो मैं बोलता हूँ भाई चला गाड़ी लेके सीधा भागा। तीन नंबर होता है बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर, ले जाके सीधा एनिमी की बग्घी में ठोक देता है भाई, ज़रा साइड में रख देते। अब मेरा एम थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, और गन में भी एमओ कम थी, इसलिए मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन दो टीममेट पीछे रहते, तो उन दोनों ने इन दोनों की वाट लगा दी। तो इधर मेरे को रिवाइव भी मिल ही जाता है, इधर बस कुछ बॉट मारे,
और एक बंदा मेरे को एक बात बताओ, ये क्या कर रहा था भाई? इसने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया। मैंने इसको मारने की कोशिश की लेकिन गलत गन से कोशिश की, मुझे M4 से मारना चाहिए था। मैं बोलता हूँ कि पहाड़ के उस तरफ है तो ये दोनों भी जाके धो देते हैं और अपने दूसरे टीममेट को भी रिवाइव मिल जाता है। हम गाड़ी लेके जा रहे होते पोचिंकी की साइड पे, क्या पता पोचिंकी में ज़्यादा बंदे होंगे, लेकिन उधर फायरिंग की आवाज़ आ रही थी तो हम लोग जो है उधर चले जाते हैं बंदों को ढूंढने के लिए। गाड़ी सीधा उसके ऊपर ठोकते नहीं है क्योंकि उसका मंजा हम पहले ही देख चुके हैं। तो इधर एक नॉक पड़ा, नॉक था शायद, नॉक ही था, तो उसका फिनिश मैंने उठा लिया। फोकट का तेल उठाने में मेरी आदत है। तो इधर एक बंदा जो है गाड़ी लेके आ जाता है, मैंने एक बंदे को मस्त हेडशॉट चिपका के नॉक किया और उसने, हेवी ड्राइवर था वो, सीधा गाड़ी भगाते हुए जा रहा था। अरे भैया सिर्फ गाड़ी भगाने से कुछ नहीं होता, तुम इधर पेड़ के पीछे कवर लेके बैठता हूँ, 4 नंबर को बोलता हूँ कि भाई उसको उधर ही रोक के रहे, और ये 1 नंबर क्या कर रहा था पता नहीं, 3 नंबर 4 नंबर को बुला रहा था। ऐसे टाइम पे जो है ना एक बंदे को उनको उलझाए रखने के लिए रखो और एक बंदे को रिवाइव देने के लिए, वरना क्या होगा अगर सभी के सभी रिवाइव देने आ गए ना तो उनको भी अच्छा खासा टाइम चांस मिल जाएगा। मैंने इधर ग्लास लगाया और इसको नॉक करना ही पड़ेगा, अभी इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। मैंने एक को मस्त हेडशॉट चिपकाया और वो किल 4 नंबर को मिल गया। हेडशॉट चिपकाया मैंने और वो तीसरा बंदा हंटर अप्पू सीधा गाड़ी लगा लेके भाग गया पतली गली पकड़ के। मैंने सोचा कि शायद उसके पास स्नाइपर वाइपर होगी, हमसे हमारे ऊपर पट्टा से हेडशॉट बजाने के लिए उधर बैठा होगा, लेकिन वो वहाँ से भाग ही जाता है, रुकता ही नहीं है। तो इधर और दूसरी जगह पे मेरे को वहाँ आवाज आ रही थी, मेरे पे किसी ने फायर किया, मेरे को लगी नहीं गोली। एक बात बता, तेरे पास अच्छा खासा कवर था, तू अच्छे से ज़मीन के अंदर लेटा पड़ा था, तो ये हीरो पंती करने के लिए किसने बोला था भाई? पश्चात तो मिलेगा। लोकेशन मेरे को पता था, डायरेक्शन पता थी, लोकेशन नहीं, इसने खुद ही लोकेशन दे दी खड़े होके। तो इस ऐसी परिस्थिति में नेट कर ही मारो या फिर उधर चुपचाप खड़े रहो। तो इधर एक और बॉट होता है, बॉट या फिर बंदा ही होगा क्योंकि उधर स्मोक भी किया था, तो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया और इसकी पेटी लूट के आगे निकल गया। हम लोग यहाँ से निकलने वाले होते लेकिन तभी एक सांप हमारे टीममेट को डस लेता है जो पेड़ के पीछे होता है, और हंटर अप्पू भैया सीधा हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि हमने इसके दो दो टीममेट्स को नॉक फिनिश दे दिया था। तो अपना टीममेट्स का बदला लेने ऐसा आया जो इसको नहीं आना चाहिए था, 4-4 बंदे और ये अकेला सीधा गाड़ी से कुचलेगा। तो मैं पेड़ के पीछे जाता हूँ। एक बात बताओ, मैं मारने जा रहा हूँ, 1 नंबर मारने जा रहा है तो 4 नंबर को रिवाइव देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। मैंने उसके ऊपर मोली फेंक दी तो ये 1 नंबर के एंगल में चला गया, 1 नंबर ने इसको धो दिया और 3 नंबर बोला रहा था भाई रिवाइव दो दो, ए भाई रिवाइव दे दे भाई। तो मैं जाके इसको रिवाइव भी दे ही देता हूँ। इधर एक बॉट था तो उस बॉट को भी मारा, दूसरे बॉट को मेरे टीममेट ने मार दिया। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और जोन भी आ रहा था, इसलिए हम दोनों बाइक से और दूसरे दोनों बग्गी से आ रहे थे। मैंने बोला कि भाई घर के अंदर बंदे होंगे तो इन लोगों को गाड़ी रोक के देखना चाहिए था, बंदी कहाँ पर है। ये गाड़ी लेके सीधा घुस गए, अंजाम अच्छा फल मिला इन दोनों को, बंदों की गोलियां खा के बेचारा 1 HP हो गया। इन दोनों को लगा कि ये सिर्फ यही दोनों होंगे इसलिए ये TPP लेके बैठ गया, मैंने साइड से आके इसको मार दिया। टीममेट इतना खुशकिस्मत नहीं था, उसको एनिमी ने धो दिया, तो मैं UMP से जाके उसको धो डाला ताकि ये मेरे टीममेट को ना मार दे, रिकॉल टावर भी बन हो गए। गलती से स्पाइक ट्रैप उठा लिया और इसको भी रिवाइव दे ही दिया। सामने कहीं पर तो एक बंदा TPP लेके बैठा था, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा स्प्रे इतना अच्छा लगता नहीं है, टीममेट ने तो मार्क कर ही दिया था। अभी मेरे पे ना मार दे भाई, अपने पास गाड़ी है तो गाड़ी लेके जाने की बजाय ये उधर ही खड़े थे। मैंने बोला भाई गाड़ी लेके आओ, 3 नंबर ने उसको नॉक कर दिया तो गाड़ी लेके भी आ ही गया। तब तक मैंने उसका किल सेव कर लिया, बंदा मैंने गलत जगह मार्क किया था, बंदा तो कुछ ज़्यादा ही आगे गया था, ये देख लो। अभी इस मोड की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बंदे जो अभी दिख रहे हैं कि 11 बंदे थे, 11 या 12 वो मर चुके हैं, वो भी जोन की वजह से। तो इधर सामने घर में या टीममेट ने मौली की क्या पता नहीं, मैं पूछ रहा होता हूँ कि भाई किसने मौली की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं। अरे भाई एनिमी ने की, तुमने की, बता दो देते। तो मैं इस घर के अंदर मतलब पोचिंग के में कहीं पर तो छुप के बैठे होंगे,
इसलिए मैं जो इधर चेक करने के लिए आ गया कि बंदा कहाँ पर होगा। मेरे को सामने की तरफ कहीं पर मतलब इस वाली बिल्डिंग में मेरे को फुट स्टेप आ रहे थे, मैं इधर बैठ गया तो इसने मेरे पे सीधा नेड़ी फेंक दिया। नेड़ी की आवाज़ से बच गया मैं, नेड़ी की आवाज़ की वजह से। इधर एक बंदा था, सॉरी बॉट था, तो उसको मार दिया। उसको मारने के बाद बस आखिरी बंदा बचा था और हम चार, तो हम ढूंढने लग गए। मैंने सोचा कि चलो उसके ऊपर नेड वेड फेंक के मारते हैं, लेकिन टीममेट को ऊपर जाने की बड़ी जल्दी थी। तो इधर चेक किया तो इधर बंदा ही नहीं था। अब गया तो गया कहाँ, तो टीममेट मार्क कर देते, छत के ऊपर चढ़ा था। तो मैं भी सीधा यहाँ से पहली बार में सीधा छत के ऊपर चढ़ गया। मैं तो इनको आराम से मार दूंगा, मेरी लोकेशन तो किसी को पता ही नहीं। अच्छा अब ये खा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। भाई आप सब्सक्राइब करते हो ना मेरे चैनल को? अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी नई वीडियो कब आएगी पता कैसे चलेगा? भाई इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर ही लो, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।